तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के तीन डिवाइड होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, यानी कि तीन तीन टाइप्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया आपकी वर्किंग के बेस के आधार पर और साइज के आधार पर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है सुपर कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर में डिवाइड किया गया है। ये आपके हो गया साइज के आधार पर। और ये आप तीन जो देख रहे हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, यानी कि वर्किंग बेस के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो आज के हम टॉपिक में जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है एनालॉग कंप्यूटर्स, यहाँ लिखा है दीज आर डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर से बहुत ही डिफरेंट है। बिकॉज एन एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल्स ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक एनालॉग कंप्यूटर कई गणितीय कार्य को एक साथ कर सकता है इट इज यूज कंटिन्यूस वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, यानी कि ये जो मैथमेटिक्स यानी कि ये जो मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन जो करता है वो कंटिन्यूज करता है, यानी कि कहीं रुकता नहीं, वो कंटिन्यूज करते ही करते रह जाता है। और एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये जो इसे यूज किया जाता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर को हम किस तरह काम कराते हैं और किस तरह करते हैं, उसे हम एक तो एग्जाम्पल के रूप में तीन चार टू एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो एक होगा मैकेनिकल के आधार पर और ये इलेक्ट्रिकल के आधार पर, और एक हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए सवालों के साथ हम इस एनालॉग कंप्यूटर को समझेंगे। द कंप्यूटर विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एन एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि इसे शॉर्ट भाषा में जो कहा जाए तो हम एनालॉग कंप्यूटर किसे कहेंगे, जो किसी भी चीज को प्रोसेस करता है तो उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर का और ये हो गया आपको डिजिटल कंप्यूटर का। तो यहाँ पर आप जो साइन देख रहे हैं ऐसे, तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल होता है ऐसे जो आप देख रहे हैं, यानी कि वो माइनस में भी रिजल्ट देगा और प्लस में भी रिजल्ट देगा एनालॉग कंप्यूटर में, यानी कि कंटिन्यूसली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर में, तो डिजिटल कंप्यूटर में एक है ऑन और एक है ऑफ, यानी कि वन का मतलब होता है ऑन और जीरो का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ये रिजल्ट तो पूरा देगा या तो नहीं देगा, ऑफ ऑन या ऑफ में। तो हम जो भी कैलकुलेशन होता है डिजिटल कंप्यूटर में वो आपके जीरो वन के फॉर्म में होता है, यानी कि बाइनरी कोड में होता है, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, दिस कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड यूज फिजिकल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिकल करेंट, वोल्टेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ बॉयलर, प्रेशर ऑफ बॉयलर सिस्टम। यानी कि पहले हम बात समझ चुके हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो है कंटिन्यूसली सिग्नल देता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो वो हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट जो प्रवाह होता है उसे, वोल्टेज कितना है उसे, टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना है उसे, यानी कि जितने भी होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के सिस्टम में होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो घड़ी है, एक हो गया ये सुई वाला घड़ी और एक हो गया नंबरी घड़ी, यानी कि ये हो गया आपका एनालॉग सिस्टम और ये हो गया डिजिटल सिस्टम, यानी कि ये घड़ी जो काम करता है ये आपके एनालॉग सिस्टम पे काम करता है और ये घड़ी जो काम करता है आपके डिजिटल फॉर्म में काम करता है। तो इसमें फर्क है, देखिए यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसे डिवाइड किया गया है मिनट में, सेकेंड में, सबको डिवाइड किया गया है, यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कितने नंबर है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, जब एक नंबर चला जाता है तो वो नहीं आता, दूसरा आता है, यानी कि जो करंट होता है वही हमें दिखाया जाता है, यानी कि पीछे वाले नहीं दिखाए जाते, तो आगे वाले आने वाला है वो भी नहीं दिखाया जाता, करंट में होता है वो हमारे डिजिटल में दिखाया जाता है। तो इसे हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि डिजिटल वॉच बोलते हैं। जो डिजिटल वॉच में क्या होता है वो आपको एकदम करेंट आंसर देता है, जैसे आप यहाँ देख लें 23:59:59 हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंट देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसमें बोल दे कोई कि भाई कितना टाइम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना बज रहा है, कितना मिनट है, उसे आपको कैलकुलेशन में करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये करेंट सिचुएशन में नहीं देता है,
रिजल्ट। तो इसे हम एनालॉग सिस्टम में इसमें यूज होता है और ये डिजिटल सिस्टम में आपको करंट रिजल्ट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर मीटर है और एक यहाँ पर है वोल्टेज मीटर नापने के लिए, दो एक तो डिजिटल और एक है एनालॉग सिस्टम। तो एनालॉग सिस्टम में आपको जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये आपको वोल्टेज कम बेसी दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या है डिजिटल फॉर्म में जो आपको करेंट दिखता है, यानी कि नहीं आगे आने वाला नहीं पीछे आने वाला, कितना तक होगा कितना तक नहीं होगा, यानी कि जो होता है इसमें करेंट होता है। चलिए हम इसमें ये बॉयलर सिस्टम क्या होता है इसे हम समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर बॉयलर सिस्टम में देख सकते हैं लो टेम्परेचर और एक है हाई टेम्परेचर, यानी कि जब इसे लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ भी बताएगा कि इसमें लो टेम्परेचर है, अगर हाई होगा तो इसमें हाई भी बताएगा। तो यानी कि इसमें जैसे जैसे सिस्टम में आगे ऊपर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा तो उसमें कंटिन्यू सिग्नल देगा, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इसमें भी बॉयलर सिस्टम में खास करके यही यूज किया जाता है एनालॉग सिस्टम का, और बहुत सी साइंटिस्ट रिसर्च सब में अभी भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन अभी डिजिटल फॉर्म में आ गया है तो बहुत सारे अब चेंजेबल हो रहा है। तो चलिए एक तो और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गाड़ी में जो होता था पहले, अभी तो बहुत डिजिटल ही हो गया है, तो लेकिन पहले जो होता था तेल का सिग्नल, जैसे हमें तेल कितना है इसमें कितना भरेगा कितना तक जाएगा तो फुल होगा, इसमें पहले फिक्स हुआ होगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे फुल आ जाता फुल पाएगा, कम होगा तो कम पाएगा, जैसे स्पीड ये सब हो गया स्पीड मीटर हो गया, ये सब में क्या है कि कितने पर स्पीड है कितने पर नहीं है तो इसमें एक्यूरेट बताएगा। जैसे आप मान लीजिए डिजिटल में क्या होता है कि जैसे आप स्पीड है आपका 19 में जा रहे हैं, जैसे मानिए आपका स्पीड है डिजिटल में होता है 19 में जा रहे हैं और अचानक आपका गाड़ी रुक जाता है तो क्या होता है जीरो पर आ जाता है, तो इसमें तो ऑन या ऑफ होगा। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं होता है, अगर मानिए आपका स्पीड 19 है और आप गाड़ी अचानक रोक देते हैं तो इसमें क्या होगा इनक्रीज डिस्क्रीज तो होगा लेकिन थोड़ा 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 डिस्क्रीज होगा, तो इसे हम एनालॉग सिस्टम बोलते हैं। चलिए हम एक तो और एग्जांपल से समझते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट डीएसी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि जब भी हम मैक में बोलते हैं तो वो उस वक्त क्या होता है एनालॉग सिस्टम में होता है और इसे ले जाकर देता है डिजिटल फॉर्म में, यानी कि एडीसी यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट, यानी कि जब भी हम कुछ बोलते हैं मैक में तो उसे ले जाता है डिजिटल सिस्टमेटिक में, तो उसे कन्वर्ट करता है डिजिटली में और तब फिर हमें उसे एक साउंड बनाकर स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देता है। तो जब सिस्टम में जो होता है तब भी होता है वो डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट में, यानी कि तब उसमें होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट में, और जब भी हम मैक में बोलते हैं, देखिए जब हम मैक में बोलते हैं वो उस वक्त होता है एडीसी यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट में, और जब भी सिस्टम में जाते हैं तो वो हो जाता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट, और जब भी यहाँ से प्रोसेस होकर जो निकलता है तब हो जाता है आपका डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट। यानी कि पहले हम एडीसी दिए यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट, और उससे कन्वर्ट करके हमें क्या दिया डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट, यानी कि ए कन्वर्ट होकर निकला फिर एनालॉग में, यानी कि हम जब वॉइस को देते हैं तो वो उस वक्त भी एनालॉग होता है और जब सिस्टम में प्रोसेस होता है तब क्या होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट में उसे परिवर्तन किया जाता है। तो हम यही समझे आज के टॉपिक में कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे आज के टॉपिक में, और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के जो वर्किंग जो साइज के आधार पर उसे डिफाइंड किया गया है तो उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर कहीं आप समझ नहीं रहे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उसमें थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू, दिस वाज वीडियो आज के लिए।